है आज के नए ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल कविता ब्लॉग में। और सब कैसे हो? ठीक ठाक सब। आज मैं बना रही थी आलू और भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी मैंने धो के रख दी थी और आलू मैं अब उठा के ले के आई हूँ। आज बनाऊँगी मैं पहली बार आलू भिंडी की सब्ज़ी। आलू को अच्छी तरीके से छील के धो लेंगे। और सबसे पहले जो नए विजिट करें चैनल को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, लाइक दे दिया करो, कमेंट भी करके बता दिया करो। ना देखते ना लाइक देते ना कमेंट करते, पता नहीं भी क्यों दिक्कत हो रही है, क्यों नहीं है पता नहीं भी। मेरी यूट्यूब मेरी ही वीडियो को वो नहीं कर रहा। तो चलो कोई बात नहीं, जो भी है जैसा भी है ठीक है, जो देख रहे हैं जो ना देख रहे हैं वो भी ठीक है, जो देख रहे हो वो भी ठीक है, जो लाइक दे रहे हैं वो भी ठीक है, जो ना दे रहे हैं वो भी ठीक है। तो ये मैं आलू मैंने छील दिए थे और ये मैं काट रही हूँ भिंडी। साथ साथ में सुबह के टाइम बहुत सारे काम हो गए हैं, नीचे बच्चे काम कर रहे हैं, उनको ठंडा पानी बर्फ़ चाहिए होती है, बीच बीच को वो आ जाते हैं। एक पास मैंने रई लगा रखी थी और एक पास दूध टेक रखा था। सुबह का टाइम ऐसा हुआ है कि फटाफट फटाफट करना होता सारा कुछ, ज़्यादातर काम सुबह ही होते हैं। झाड़ू पोछा भी सुबह ही हो है और चाय चूहे के बर्तन भी सुबह हो है, रोटी सब्जी का भी हो जाए, साथ में एक्स्ट्रा काम भी बहुत सारे हो जाए हैं। तो ये मैंने सब्जी काट ली थी अब बात से बातें करते करते, और आलू भी काट लिए थे। ये मैं प्याज कर लूँगी और दूध ये साइड में रख दिए थे। तो मैं छौंक लगाऊँगी सरसों का तेल का, क्योंकि मैं आलू और भिंडी पहली बार बना रही हूँ। मैंने इसे पहले कभी नहीं बनाई। मैं भिंडी बना लेती थी, आलू की सब्ज़ी बनाते थे, लेकिन आलू भिंडी मैं पहली बार बना रही हूँ। इसमें मैंने डाल दिया था धनिया और जीरा, फिर डाल दिए थे प्याज और हरी मिर्च। इसमें मैंने टमाटर वगैरह नहीं डाले थे, सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें डाली थी। तो देखें भी कैसे बनेगी आलू भिंडी की सब्ज़ी। मैं मिर्च काटूंगी, मिर्च थोड़ी सी, आजकल नई फसल आई है ना, थोड़ी सी चरचरी कम हो तो कई डालनी पड़े। वैसे हमें एक दो ही डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती। तो ये मैंने भी इसमें डाल दिए थे आलू, और साथ में करूँगी मैं अपनी इब रई पूंजन की तैयारी। घी निकाला था, काफ़ी दिन हो गए थे। आजकल जैसे जेठ का महीना आज से स्टार्ट हो गया है और दूध की इन दिनों इतनी कमी हो गई है, किसी के पास दूध नहीं मिलता। जो मिला है वो भी बस पानी पोंगल सा ही मिला है। इन टाइम में बहुत कमी हो जाए दूध की, और लस्सी अरियाँ तो कहाँ मिलने थे। तो हमारा अभी दूधिया ने दूध बंद कर दिया, तो हम भी डेयरी से लेके आना पड़ा है दूध। तो डेयरी वाले तो ऐसे हैं भी, सब मिला जुलिया आवा है। तो मैं अपना कुछ गाय का मिक्स आवा है, तो मैं अपना निकाल लूँगी। और साथ में मैंने सब्जी रख रखी थी। तो दुर्गा की तरियाँ कई हाथ करने होते हैं एक सुबह का टाइम में। तो इस तो दोपहर का टाइम था, तो मैं कर रही थी अपना फ्रिज साफ। फ्रिज में इतनी बर्फ़ जम गई है, देखो कितनी बर्फ़ निकाल रखी है मैंने। दो पे टेम्परेचर है, लेकिन फिर भी बर्फ़ इतनी जम गई है। नीचे ठंड आनी शुरू हो गई है, नहीं होती ठंड नहीं आती। तो ये अगले दिन का है, उसके बाद मैं कोई क्लिप नहीं निकाल पाई थी, क्लिप इसने नहीं निकाल पाई थी। मेरे पास कोई आ गया था, रो रात तक रहा था। कई बार कैमरा साए होते हैं, कई बार नहीं होते, तो कई बार इतने काम हो जाते हैं वीडियो नहीं बना पाती। तो ये मैं बना रही हूँ, अगर हो भी गई थी लेट, 12:30 हो गए थे हमने रात को सोते, सुबह फिर थोड़ी लेट उठे, और लेट उठ जाए तो उधर शरीर बिल्कुल डाउन डाउन रहा है। सुबह उठ कर फिर वही काम हो जाए। फिर मैंने सोचा अभी संडे तो है ही, आज बना लेते हैं नमकीन चावल। आलू काट के पानी में रख दिए थे, क्योंकि ये थोड़े ही स्टार्च वगैरह निकल जाए। और प्याज टमाटर और हरी मिर्च काट रही हूँ। आलू बना रही हूँ मैं नमकीन चावल बना रही हूँ मैं काफ़ी दिनों के बाद। ये मेरे 10-15 दिन हफ्ते में ही बनते हैं, क्योंकि हम चावल बहुत ही कम खावा ही हैं। खिचड़ी बन जाती है, लेकिन चावल, नमकीन चावल या राजमा चावल, दाल चावल बस बहुत ही कम बना है। और चावल मैं लगाऊंगी मैं देसी घी का छोंक, और इस देसी घी से अच्छे बनते हैं। मैं इसमें तेल ताल का नहीं लगाया करती, और साथ में मेरा दूध भी उबल गया था। तो इसमें कुछ नहीं, सिंपल सा ही डाल लूँगी, बस जीरा का छोंक लगाऊँगी। और एक पास गैस पर रख दूँगी मैं, जो कल निकाला था मैंने उगी ताऊँगी, मैंने ताया नहीं था। मैं बता रही थी कि भी कोई आ गया था, तो सारा टाइम मेरा बस उन्हीं उनमें निकल जाए, कई बार तो ऐसा ही हो वह है।
और इस टाइम हो रहे थे 12 के आसपास, तो कुछ काम मेरा निबड़ गया था, कुछ करना रहा था। मैंने सोचा भी आज नमकीन चावल बना के खाई जाए, दही जमा रखी थी तो मैं चावल बनाऊंगी 2 गिलास। एक साइड मैंने चावल निकाल के भिगो कर रख दिए थे और एक साइड छोंक चल रहा था, साथ साथ में ही चलता रहा। साथ में कटाई पटाई भी मेरे पे पहले कैट करने रखा नहीं जाता, तो साथ में ही कराया करूँ सारा सौदा, भी थोड़ा बिजी रह जाओ। फिर ये छोंक के उसमें बाट देखनी पड़ा भी छोंक तैयार होगा पहले कैट ले, तो बीच में अपना सब कुछ गला गला करते रहें तो थोड़ा हर टाइम जल्दी लग जाए है। तो ये मैंने छोंक लगा दिया था, प्याज टमाटर हरी मिर्च नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी, धनिया पाउडर डाल दिया, गर्म मसाला डाल दिया, सरीफ डाल दिया, इसमें आलू, ज़्यादा सब्जी होंगी को नहीं गर्मिया में, गर्मिया में है तोरी सी हो वह है, ये क्या डाल है चावल में बस एक आलू हो वह है, मटर मुटर आजकल इसे आम है, सर्दियों में तो बहुत कुछ सब्जी डाली जावे। 2 गिलास चावल के बनाऊंगी तो मैं इसमें 4 गिलास चावल के उस पानी के डाल लूंगी, तो मैंने डाल दिए थे, ढक दिया, ये पानी उबल गया अच्छी तरह से और ये भीगे हुए चावल थोड़ी देर पहले डुबो कर रख दे तो अच्छे बनते हैं, तो मैं डाल दूंगी। वैसे मेरा टोपिया थोड़ा छोटा था, चावल फूल को हो गए थे बड़े, वो सारा भर गया था देखो ऊपर तक। इब डाल लिए हैं, ये मेरे डालने हैं, खा लीजिए आप भी, और हमने तीनों के डाल दिए थे, उसने वो खाने लग रहा है, उस इधर ही बेटा खाने लग रहा है। कौन आयु? कौन आयु? बोलो मीकू। मीकी तेरा मेरा कितना फर्क हो कितने काले गए रहे हो रे? काले गए रहे ज्यादा ठीक हो रहे? मेरा तो ठीक हो रहा है। अरे यू अपना मौसी पारी कर दो, मौसी को पहले, मम्मा को कर दो, मम्मा को पारी करिए, पारी कर दे, बाई बुई तो जाए नहीं, पारी कर, पारी कर। इनमें बदमाश है पक्का। क्यों होया? अच्छा उनको ऐसे कर दो, उनको माम 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 आज जोड़ के करो, आज जोड़ के कर दे, माम 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 माम, सॉरी भी बोल दो, सॉरी आयु फ्लाइंग किस भी दे दो, एक फ्लाइंग किस दे, ऐसे कर दो। बल्ला फेंक दिया, आउट भी हो गया है ना, दोनों सोचते। हेलो हेलो टूट गया जान आई सारी तरी टेढ़ा टेढ़ा लखावा है, ओ तोड़ दिया, टूट गया तो पापा ने बोल दे, पापा किसे तोड़ दिया, किसे तोड़ा, पापा ने तोड़ दिया। कुआरी नींद कैसा मुंह बना रही, एक और फोन में लगी पड़ी, ए छोरी इधर दे फोन ना, ए गया सोई गई, सवेरी जल्दी उठा ही है, आज संडे था, जरा वो ही रखी है। और ये लड़का ब्याह में जान खतर तैयार होया, एक और खेल रहा, साथ में मैच चल रहा, छक्का मिकी छक्का, बज गए 9, इधर चंद्री खाना बनाने की तैयारी, लुका के बेबे ना, बेबे ना हर वक्त रसोई में खड़ी करी पावे अब मिलजुल का खाना बनाया करा भाई, कड़ी भी आओ जाओ मिलजुल का बनाया करा, अंधेरा हो रहा है।